नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विकास की अवस्थाएं। टॉपिक को पूरा समझने के लिए वीडियो को आप अंत तक देखें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लेटेस्ट अपडेट के लिए। कमेंट में हमें जरूर करें कमेंट हमें, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी क्या गलतियां हैं, मुझे आगे इम्प्रूवमेंट किस तरीके से करना है। नेक्स्ट हम अपने टॉपिक पर आते हैं, जो है हमारी विकास की अवस्थाएं। इससे पहले मैं विकास को पूरा डिफाइन कर चुकी हूँ, वीडियो उसकी आपकी पड़ी है, मैं लिंक में शेयर कर दूंगी, वो आप जरूर देखेगा। मैंने विकास की अवस्थाएं बताई थी, सात अवस्थाएं होती हैं, शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था और वृद्धावस्था। तो मैं विकास की कॉमन अवस्थाओं को आपकी विशेषताएं यहाँ डिटेल में पढ़ाऊंगी। पहले आपकी शैशव अवस्था, जो कि जन्म से 5 वर्ष तक होती है। शैशव अवस्था को सीखने का आदर्श काल भी कहा जाता है, यानी कि शैशव अवस्था में सबसे जल्दी बच्चा सीखता है, क्योंकि ये अवस्था होती है जन्म से 5 वर्ष तक। इसकी विशेषताएं होती है स्वयं प्रेम की भावना, सबसे ज्यादा प्रेम की भावना, खुद से ही सबसे ज्यादा प्रेम की भावना बच्चे को होती है। दूसरा है स्वयं केंद्रित अवस्था, वो अपने आप को सब चीजों का केंद्रित समझता है। एक बालक जो है इस अवस्था में सब चीजों का केंद्रित खुद को ही समझता है। वो सोचता है कि जो आसपास की चीजें हैं उनसे, उन सब चीज का केंद्र, यानी कि उन सब चीजों को बस मुझे ही मिलनी चाहिए और किसी को वो मिलना चाहिए। स्वयं केंद्रित की अवस्था शैशव अवस्था की एक विशेषता है। नेक्स्ट है आपका मूल प्रवृत्ति है। मूल प्रवृत्ति जो होती है बच्चे की, वो शैशव अवस्था में सबसे ज्यादा विकसित होते हुए किस प्रवृत्ति का बनने वाला है, शैशव अवस्था में वो सबसे ज्यादा विकसित होती है। नेक्स्ट है पुनरावृत्ति। बच्चा जो है इस अवस्था में चीजों को दोहराने की कोशिश करता है। आप जैसा आप देखोगे ऐसे ही वो, जैसा आप करोगे ऐसा ही वो करना चाहेगा, पुनरावृत्ति करता है, वो सब चीजों को देखकर रिपीट करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है विकास की सबसे तेज गति। सबसे तेज विकास जो है हमारा शैशव अवस्था में ही होता है। नेक्स्ट है अनुकरण करके सीखना। वो बच्चा जो है आप जैसा करोगे वैसा ही वो अनुकरण करेगा, आप ही को देखकर वो सीखता है इस अवस्था में। आगे आपका नैतिक की अधिकता। नैतिकता उसमें बहुत ज्यादा होती है इस शैशव अवस्था में। प्रयास व त्रुटिपूर्ण व्यवहार, वो बार बार अनुकरण करेगा, बार बार प्रयास करेगा चीजों को करने की, और त्रुटि भी करेगा, लेकिन अंत में वो प्रयास कर करके वो सीख ही जाता है। इस अवस्था को कहते हैं शैशव अवस्था में प्रयास व त्रुटिपूर्ण व्यवहार बच्चे का होता है। छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग। शैशव अवस्था में बच्चे छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो पूरा वाक्य बनाकर नहीं एकदम से बोलते हैं, छोटे छोटे शब्दों के प्रयोग से ही वो आपको अपनी बात समझा देते हैं। दूसरों पर निर्भर। इस अवस्था में बच्चा जो है दूसरों पर निर्भर रहता है, वो सब चीजें अपने आप नहीं कर सकता है। शैशव अवस्था की अधिकतर चीजें उसके परिवार के व्यक्ति या जो भी उसका लालन पालन करता है, वो उस पर ही बच्चा एक जो है निर्भर करता है। नेक्स्ट है आपकी बाल्यावस्था। बाल्यावस्था शैशव अवस्था से नेक्स्ट अवस्था है 6 से 12 वर्ष। इस अवस्था को हम जीवन का अनोखा काल भी कहा गया है। इस अवस्था को जीवन का अनोखा काल भी कहा गया है। इसकी विशेषताएं हैं, इस अवस्था में बच्चा जो है ज्यादा जिद्दी होता है, उसमें विरोधात्मक प्रतिक्रियाएं जो है बहुत अधिक होती है, बहुत ज्यादा वो जिज्ञासु होता है, बहुत चीजें पूछना चाहता है बच्चे, आपसे सब चीजों के बारे में ज्ञान अर्जित करना चाहता है। नकल करने की प्रवृत्ति होती है, जैसा आप करोगे वो वैसा ही बच्चा करेगा, वैसे ही वो करने की कोशिश करता है। अमूर्त वस्तुओं का उसे ज्ञान हो जाता है कि ये अमूर्त वस्तुएं, यानी जो चीजें उसे दिखाई दे रही है उन चीजों को वो समझने लगता है, वो समझ चुका होता है। समूह में रहना उसे पसंद होता है। जैसे ये 6 से 12 वर्ष का बच्चा जो है अपने समूह का चयन कर लेता है, उसके आसपास के फ्रेंड्स बन जाते हैं कि मुझे इस पर्टिकुलर समूह में नहीं रहना है, मेरे यही पर्टिकुलर फ्रेंड्स है, यानी कि वो समूह में रहना पसंद करता है, समूह को वो सिलेक्ट कर लेता है अपना इस आयु में। संस्कारों की अवस्था होती है। इस अवस्था में ही हम बच्चों में संस्कार को विकसित कर सकते हैं। जैसे संस्कार आप इस अवस्था में बच्चे में डालेंगे, वैसे ही संस्कार वो जीवन पर्यंत अपने अंदर या आगे तक ले जाएगा।
यथार्थवादी दृष्टिकोण रहता है उसे स्पष्ट दृष्टिकोण उसे चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए कि आप उसे समझाए नहीं ऐसा होता है नहीं ऐसा होता है, नहीं नहीं वो पूरे क्वेश्चन जिज्ञासु होता है इस अवस्था में, पूरे क्वेश्चन करके वो आपकी अपनी बात को पूरा यथार्थवादी स्पष्टीकरण उसे पूरा चाहिए होता है, उसे ये बात नहीं चलेगी कि नहीं बेटे ऐसे नहीं ऐसा होता है, उसको पूरा उदाहरण के साथ समझाना चाहिए। यथार्थवादी दृष्टिकोण होता है वो किसी के भी बहकाए में आना बहुत कम पसंद करता है। नेक्स्ट है बहुमुखी विकास होता है, इस अवस्था में बच्चे का हर तरफ से विकास की संभावनाएं होती हैं, उसका शारीरिक मानसिक संवेगात्मक सब विकास उसका बहुमुखी सामाजिक सांस्कृतिक सब विकास उसका इसी अवस्था में होता है। नेक्स्ट है आपकी किशोर अवस्था, किशोर अवस्था 13 से 18 वर्ष की अवस्था होती है, ये जीवन का सबसे कठिन काल कहा गया है किशोर अवस्था को। किशोर अवस्था में बहुत सारी विशेषताएं होती है, इसमें बहुत सारी कठिनाई होती है एक बच्चे को, वो अपने जीवन के एक बहुत ही कठिन काल से गुजर रहा होता है जो कि होती है 13 से 18 वर्ष की आयु को हम किशोर अवस्था कहते हैं। इसकी विशेषताएं होती है बुद्धि का पूर्ण विकास इस अवस्था में हो चुका होता है, मूर्त व अमूर्त चीजों को समझने लगता है वो, अमूर्त वस्तुओं का ज्ञान उसे बाल्य अवस्था में भी हो जाता है, लेकिन मूर्त वस्तुएं जो कि उसे चीजें उसके सामने स्पष्ट नहीं है, जो उसे उसने स्पष्ट तरीके से अपने आंखों से नहीं देखी है, उन चीजों को भी वो समझने लगता है। नेक्स्ट है आपका तीव्र शारीरिक परिवर्तन, किशोर अवस्था में उसका शारीरिक परिवर्तन बहुत जल्दी होता है। नेक्स्ट है आपका इच्छाओं का भाव, किशोर अवस्था के बच्चे जो होते हैं उनमें इतनी इच्छाएं होती हैं, वो सब चीजों को करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा अधिकता में उनकी इच्छाएं होती हैं। रुचियों का स्थायित्व, तो यानी कि इस अवस्था तक बच्चे जो हैं अपनी रुचियों को जानने लगते हैं कि हमें या रुचियां जो है मतलब वो किन चीजों को पसंद करते हैं, किन चीजों में उनकी रुचि है इस चीजों का उन्हें पता होता है। एक छोटा बच्चा जो होता है बाल्य अवस्था तक का बच्चा जो होता है कभी कहता है मैं डॉक्टर बनूंगा, कभी कहता है नहीं मैं नर्स बनूंगा, कभी कहता है नहीं मुझे ये चीज पसंद है, नहीं कभी कहता है मुझे ये चीज पसंद है, लेकिन किशोर अवस्था तक आते आते वो उस चीज पर पूरा स्पष्ट हो जाता है कि नहीं मुझे ये ही चीज पसंद है, उसकी जो रुचियां हैं वो बदलती नहीं है, उसका स्थायित्व हो जाता है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता की प्रवृत्ति, किशोर अवस्था में बच्चे बहुत स्वतंत्र रहना चाहते हैं, पारिवारिक माहौल से उन्हें लगता है कि उनके ऊपर दबाव पड़ रहा है, परिवार के लोग जो हैं उन्हें स्वतंत्र नहीं रहना चाहते, वो अपनी इच्छाओं को भावनाओं को आगे प्रकट करना चाहते हैं, स्वतंत्रता की जो प्रवृत्ति है उनमें प्रबल होती है। नेक्स्ट है अस्थिरता का काल, अस्थिरता का काल इसलिए कहा गया है इस किशोर अवस्था को कि कभी वो बहुत कठिन काल से जुड़ते हैं, कभी उनके संवेग जो है बहुत ज्यादा तेज हो जाते हैं, कभी वो भावनात्मक स्तर पर थोड़ा सा डांटने पर ही बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि जो परिवार के लोग हैं उन्हें समझ नहीं रहे हैं, कभी उन्हें लगता है कि हम बहुत खुश हैं आज, अस्थिरता का काल है। इसमें कोई भी बच्चों को लगता है कि जैसे परिवार के लोग जो हैं उन्हें समझ नहीं रहे हैं तो उन्हें बहुत ही बुरा लगता है, कभी कभी वो बहुत ही खुश हो जाते हैं अपने आप ही, तो इस अवस्था को हम अस्थिरता का काल भी कहते हैं। भविष्य की चिंता होने लगती है किशोर अवस्था तक, उन्हें क्या करना है, वो किस तरफ जाएंगे, क्या फील्ड अपनाना है, भविष्य में क्या हम ऐसा बन पाएंगे, उन्हें बहुत ज्यादा चिंता होती है। नेक्स्ट समूह को महत्व देने लगते हैं, जैसे कि बाल अवस्था में भी मैंने आपको बताया कि वो समूह में रहना पसंद करते हैं, लेकिन किशोर अवस्था तक आते आते वो पर्टिकुलर उन बहुत सारे समूह में से भी उस एक समूह को चयनित कर लेते हैं कि हाँ ये वाला समूह जो है मेरे लिए ठीक है, और पारिवारिक व्यक्ति से भी अधिक महत्व वो समूह को देते हैं, उन्हें लगता है कि हमारे आयु वर्ग का है तो ये हमें ज्यादा स्पष्ट तरीके से समझेगा, इसलिए उनको जो समूह का महत्व है उनके लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। समाज सेवा की भावना इस अवस्था में बहुत प्रबल होती है। और लास्ट है आपका आत्मसम्मान की प्रबल भावना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है,
उन्हें अगर किशोर अवस्था के बच्चे को अगर हम थोड़ी सी भी कुछ बात कह देंगे तो वो अपने दिल पे ले लेते हैं। दिल पे लेने का मतलब यही होता है कि वो आत्मसम्मान जो है उनका ठेस पहुंच जाता है, इसलिए वो बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। क्रोध की भावना उनमें जो किशोर अवस्था में है, मैंने बताई थी पहले, तो वो बहुत ज्यादा इसीलिए ज्यादा पनपती है कि उनमें आत्मसम्मान जो है बहुत चरम पर होता है, वो उसको बिल्कुल चरम बिल्कुल ऊपर रखते हैं अपने आत्मसम्मान की। 26 वर्ष होती है, इसकी विशेषताएं हैं उत्तरदायित्व की भावना। प्रौढ़ अवस्था में उत्तरदायित्व आ जाता है, वो पारिवारिक उत्तरदायित्व को समझने लगते हैं, सांसारिक उत्तरदायित्व को समझने लगते हैं, और उनमें ये भावना जागृत हो जाती है कि हमारा उत्तरदायित्व क्या है। ऐसे तर्क शक्ति का विकास, वो किसी भी बात पर अपने तर्क को स्पष्ट तरीके से रख सकते हैं। इस अवस्था में तर्क शक्ति का विकास हो चुका होता है। चुनौतियों में सक्षम, वो किसी भी तरह की चुनौतियों को लड़ने में सक्षम होते हैं, उनका सामना करने में वो सक्षम होते हैं। जिम्मेदार नागरिक, प्रौढ़ अवस्था का व्यक्ति जो है एक जिम्मेदार नागरिक होता है, उसे सभी तरह की जिम्मेदारियों का एहसास होता है, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे वो देश के प्रति हो, चाहे वो परिवार के प्रति हो, वो अपने एक जिम्मेदारी को समझता है। तो ये थी हमारी विकास की विभिन्न अवस्थाएं और उनकी विशेषताएं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा और हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। थैंक यू।